घर की कढ़ाई को रख दिया है, तो अब लेते हैं यहाँ पर तेल। तेल भी हो चुका है गरम। अब लेते हैं हम कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने लिए हैं 2 लौंग, आधा चम्मच जीरा, 2 टुकड़े छोटे दालचीनी के, 2 काली मिर्च और 1 हरी इलायची। इसे हम ले लेते हैं यहाँ पर। खड़े मसाले भी भुन चुके हैं, तो अब लेते हैं यहाँ पर 2 बारीक कटी हरी मिर्च। आप मिर्च अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मिर्च भी भुन गई है, तो अब ले लेते हैं यहाँ पर बारीक कटे प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को भी भून लेते हैं। प्याज और लहसुन भी भून चुका है। अब लेते हैं यहाँ पर टमाटर। टमाटर को भी बारीक काट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। टमाटर को भी 1 मिनट अच्छे से मिलने तक मिला लेते हैं। अब लेते हैं नमक स्वाद अनुसार। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को करते हैं अच्छे से मिक्स और 1 से 2 मिनट मसालों को भून लेते हैं। मसाला भी भून लिया है। अब लेते हैं 1/2 कप पानी और मसालों को पका लेते हैं। मसाले भी अब पक चुके हैं। एक बार मिला लेते हैं अच्छे से। अब ले लेते हैं सोया बड़ी। सोया बड़ी को मैंने 15 मिनट पहले भिगोने रख दिया था ठंडे पानी में। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप इसे 5 मिनट उबलते पानी में भी रख सकते हैं। इसे ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर पानी निचोड़ के। मिला लेते हैं अच्छे से मसाले के साथ। सोया बड़ी को अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं पानी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 से 2 गिलास पानी। अब गैस की फ्लेम को बढ़ा लेते हैं और इसे पकने देते हैं 2 मिनट। 2 से 3 मिनट हमने सब्जी को पका लिया है। सब्जी बनके हो गई है तैयार। सोया बड़ी की सब्जी झटपट बनके हो गई है तैयार। आप भी बनाइए। आपको ग्रेवी कम या ज़्यादा चाहिए उसके अनुसार आप यहाँ पे पानी ले सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा कम चाहिए तो आप इसको 1 मिनट और बना सकते हैं। और अगर उसमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पर पानी ले सकते हैं। सब्जी बन गई है तो गैस को बंद कर लेते हैं। सोया बड़ी की सब्जी की रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक बार फिर नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।